न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सहनाज। आप देख रहे हो सर्वोच्च दर्पण न्यूज। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य रिपोर्ट पर। वृंदावन धर्म नगरी वृंदावन में निराश्रित माँ बेटी को पुलिस की मदद से अपना घर आश्रम भरतपुर में आश्रय मिला है। महाराष्ट्र से वृंदावन आई एक महिला अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ परेशान हालत में इधर उधर घूम रही थी। माँ बेटी को परेशान देख पुलिस उन्हें कोतवाली ले आई, जहां पूछताछ में महिला द्वारा उसके पास रहने को कोई ठिकाना एवं जीवन यापन के लिए कोई साधन ना होने के बारे में बताया गया। पुलिस ने निराश्रित माँ बेटी की मदद के लिए चैतन बिहार स्थित अपना घर आश्रम संचालक को मामले से अवगत कराया। सूचना पर कोतवाली पहुंची अपना घर आश्रम की टीम ने निराश्रित माँ बेटी को अपने भरतपुर स्थित आश्रम पर भिजवा दिया। कोई नहीं है परवाह, हाँ ये इनका एक्सीडेंट हो गया, ये काम करती थी, इसको वृंदावन में रह के कुछ करना चाहती है, अब इनका कोई सहारा है नहीं, पति हो रहा है नहीं। बहुत बढ़िया। कोतवाली से फोन आया था कि एक महिला और एक 8 साल की बच्ची जो निराश्रित है, असहाय है, तो वो कहीं महाराष्ट्र से कहीं बाहर से आए हुए और इनको यहाँ पर आवास की और रहने की एक व्यवस्था चाहिए। तो अपना घर टीम के पास जब फ़ोन किया तो अपना घर टीम आज यहाँ पर अपने सेवा साथियों के साथ आई है और इनको महिला आश्रम भरतपुर के लिए ले जा रहे हैं और वहाँ पर स्कूल में बच्चे के लिए स्कूल की भी व्यवस्था है और महिला के रहने की भी व्यवस्था है।